देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, जय बाबा मीरा साहब के टिया पे आए हैं दर्शन करने। बाबा की कृपा होगी आप लोग के ऊपर से, बाबा मीरा साहब ये बहुत बढ़िया मंदिर है बाबा साहब जी की, और यहाँ पे सभी आते हैं अर्जी लगाते हैं। आज हम भी अर्जी लगा के देखे हैं बाबा साहब की पास की, बाबा आप हमारा सपोर्ट जरूर करना। देख सकते हैं दोस्तों बहुत बढ़िया सजाया गया है मंदिर को भी। तो आइए दोस्तों हम और कुछ दिखाते हैं आपको, आगे चल के और कुछ भी दिखाने वाले हैं, आगे वीडियो पे बने रहें। और बहुत बढ़िया ये देख सकते हैं, हमेशा जोर चलते रहते हैं यहाँ पे भैया, थोड़ा साइड होना। ये देख सकते हैं आप लोग हमेशा जोर चलते हैं। ये मंदिर कितना दिन पुराना है? बहुत साल पुराना भाई। ये कितना कुछ कह सकते हैं दोस्तों को? किन दोस्तों को? ये मंदिर पर रहते हैं आप कब से रहते हैं? काफ़ी साल हुए, काफ़ी सालों से ये रहते हैं, सेवा भी करते हैं, और आप आज हम भी दर्शन के लिए आए हैं। काफ़ी सालों से इसकी मान्यता भाई, पीर बाबा की, पीर बाबा मेरा बाबा नाम है इनका, मेरा बाबा नाम है, मेरा बाबा साहिब। अच्छा जी, आप यहीं रहते हैं भाई। ये दोस्तों आगे और कुछ दिखाते हैं हम आपको, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, पीर बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों ये बहुत साल पुराना है पीर बाबा के यहाँ पे दरबार। और दोस्तों आइए हम आपको इस पार्क के अंदर में और इस मंदिर के अंदर में, यहाँ पे बहुत बढ़िया एक शंख पार्क बनाया गया है, शाम को बहुत अच्छा पानी चलता है, इसके बहुत अच्छा पानी चलता है और झरना भी चलता है, बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे सभी खेलते हैं यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे भी कितने हरे भरे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये जिसको टाभो बोलते हैं ना, टाभो, ये उसी का पेड़ है। देखिए छोटा छोटा टाभो भरा हुआ है इसमें, देख सकते हैं लोग। और आज मैं पहली बार आया था घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगा पीर बाबा मंदिर से भी मिले। और दोस्तों इस पार्क के अंदर में एक खासियत है कि भारत माता का झंडा बहुत बहुत बड़ा लगाया गया है, बहुत बड़ा लगाया गया, देख सकते हैं आप। ये मैं आपको भारत माता के झंडा के दिखाने जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं बहुत बड़ा झंडा है, भारत माँ की जय हो। और यहीं से शुरुआत होती है इस पार्क की, और चांद तारे भी बना रखे हैं, और बहुत अच्छा पानी चलता है यहाँ पे शाम को। अभी तो मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए दोस्तों मिल नहीं पाया, लेकिन आए। एक इधर मंदिर भी है, देख सकते हैं ये मंदिर है, अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ इसलिए कि मैं इस पार में हूँ, अगर उस पार में होता तो मैं अंदर जा सकता था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ यार, इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा। मैं पहली बार ब्लॉगिंग वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़ भैया, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा।